हे गाइज, वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज, हम आए हैं शादी के लिए सब्जी लेने, क्योंकि हमारे भतीजी की शादी है। तो गाइज, हम आ गए हैं छतरपुर में, यहाँ से देते हैं गाइज सब्जी, जो कि छतरपुर मंडी में आए हुए। सुबह सुबह लगभग हम 6 बजे आए थे, ताज़ी ताज़ी सब्जी यहाँ पे मिल रही है, तो हम लेते हैं। और कई हमें सारे गाइज बहुत सारे काम हैं तो वो भी करने हैं। फिलहाल तो लेना है हम सब्जी, यहाँ के बाद मिलते हैं गाइज हम नेक्स्ट टाइम आपको आगे। तो गाइज, टमाटर के कैरेट हमेशा रेट करके वेट करके लें, क्योंकि काफ़ी धोखेबाज होते हैं यहाँ पे, धोखा हम भी खा गए। टमाटर वालों ने अंधी फेल रखी है, बोलते हैं 27 किलो निकल निकलते हैं, साले 20 किलो बताओ, ऐसा अंधी फेल रखी है टमाटर वालों ने। जी जामुन है देसी, 10 की पन नहीं आज सही में। हाँ। या तो लूट रहा हूँ, बता कितने पैसे थे? क्या पन नहीं है ना? 7। अच्छा गाइज, हम रास्ते से जा रहे थे, बच्चा जामुन बेचा था, हमने उनसे जामुन ले लिए हैं। 5, 6, 7, 8 है जामुन। हैं? लगा ले, सही बता। सही लगा भाई, चलिए गाइस। फिलहाल आज है हल्दी, जो कि हम आए हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं सब, सिस्टर वगैरह भी आई हुई हैं, पूनम, और ये हैं हमारे खास रिश्तेदार हैं यहाँ पे आए हुए हैं, और हमारी बिटिया। चल, कहाँ जा रही तू? चल इधर, फोटो खींचना है अभी, फोटो खींचना है, चल अंदर, चल अभी, चलो चलो चलो। गाइस, सभी लोगों को मेरा स्वागत है। आज है हल्दी और ये हमारे सब फैमिली मेंबर है, और ये हमारी भाभी बड़ी मुस्कुरा रही है। देखो, थोड़ा सा हमारे चैनल को आशीर्वाद प्यार दीजिएगा, इसी तरह जैसे भाभी हंस रही है, इसी तरह आप लोग भी प्यार दीजिएगा हमारे को। आज हमारी बिटिया का हल्दी है आज, चलो भाई। अब तो हम मैं की पूजा जो होती है वो गांव जा रहे हैं, उधर कुएं से पानी भरते हैं, वो तो उसी लिए जा रहे हैं हम। पीछे भी बहुत सारे परिवार के लोग आ रहे हैं, लेडीज वगैरह। साथ छोटा मिनी ब्लॉगर चल रहा है, तो हम अपने गांव में आ गए। ये फिलहाल होती थी छोटी सी अस्पताल, जो कि बंद हो चुकी है। ये थी तकरीबन आज से 24 साल पहले, उससे पहले जब मैं बिल्कुल छोटा था, ये अस्पताल थी देखो गांव की, जो एकदम वीरान हो चुकी है फिलहाल। उस टाइम ये भी बहुत काफ़ी सुंदर लगती थी, लेकिन आज तकरीबन 30 साल हो चुके हैं इसको, ऐसे खंडर हो गई। और पीछे है तालाब, ये तालाब है पूरा, तालाब है। ये हमारे फैमिली के लोग आ रहे हैं पूजा पाठ के लिए, हम जा रहे हैं। ये देखिए, ये तालाब है, और ये भी काफी पुराना है, बरगद का पेड़ है यहाँ पे, और ये हमारे गांव की टंकी, और ये है पातालेश्वर का मंदिर। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से, बहुत ही पुराना। और ये यहाँ से हम छोटे में जाते थे स्कूल, ये स्कूल की बच्चियाँ आ रही हैं छोटी छोटी, इधर सामने स्कूल है, और इससे पहले पहले एक पुराना स्कूल था, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा भाई ब्लॉग में। तो देखिए, ये स्कूल है, और ये देखिए पानी की टंकी, ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। पहाड़ों के पहाड़ यहीं से शुरू होता है ऊपर की ओर। वंश का कितनी सजी हुई है, शादी की कितनी खुशी हो रही है उसकी, कितनी क्यूट लग रही है, हैं कितनी क्यूट लग रही है। हम पढ़ते थे जब ये घर हुआ नहीं करते थे, पहाड़ों के नीचे यहाँ पे कुछ नहीं था, घर नहीं थे, अब बन गए हैं, किनारे किनारे घर बन चुके हैं। ये पीछे तालाब है, देखो पूरा तालाब का एरिया है, पूरा देखो पूरा तालाब का एरिया है। और फिलहाल हम चलते हुए अपनी पूजा की ओर। देखो गाँव का गाई जलवायु कुछ और होता है, गांव में आने से बहुत अच्छा लगता है, अपनी जन्मभूमि है, तो ये गांव भी काफ़ी बदल गया है, मतलब तरक्की बहुत ज़्यादा हो गई है। तो गाइज, पानी का मौसम बहुत जल्द बन रहा है, क्योंकि आज गाइज बहुत ही शादियां हैं, तो हमारी तो यही ऊपर वाले से प्रार्थना हो गई भाई आज बारिश रुक जाए, क्योंकि आज शादियाँ ज़्यादा हैं। ये देखिए टंकी, यहाँ से क्या खूबसूरत नज़ारा है। और हमारे लाला जी देखो मोबाइल में ही व्यस्त रहते, देखो ये है, आप बताओ बच्चों का हाल कैसा होगा उसको पता नहीं। जैसे आज है 12 जुलाई, और आज गाइज गांव में हर एक गांव में मतलब हर जगह शादियां शादियां हैं, आप पीछे देख रहे हो डीजे बज रहा है। तो गाइज सभी लोग आ गए हैं यहाँ पे, देखिए डायलॉग मात्रा उसको। पुराना गांव है, और ये बहुत ही पुराने कुम्हार के घर हैं इधर, जहाँ से घड़े लेते हैं हम मेरे के लिए कपड़े। तो देखिए गाइस, तो फिर हम यहाँ पे आ गए हैं घड़ा लेने, घड़ा लेने आ गए हैं, और हमारे साथ में बुढ़िया आई है। बोलो गाइस, हमारी दादाजी की वीडियो को लाइक फॉलो करो, बोलो हाँ बुढ़िया ने बोला था, जल्दी करो चलो, और बने रहिए ब्लॉग में, आपको खूब सारा व्यू दिखाने वाला हूँ।
अंदर आ जाओ भैया। आराम से आराम से। हाथ देखिए गाइस जब बोर पानी यहाँ से निकालेंगे कुएं से, कुएं की गहराई देखो कितनी है। पानी निकाल रहे हैं भैया, देखो एक हाथ से नहीं खींचेंगे इसको, एक हाथ से निकालना पड़ता है पानी को, मेयर के पानी को बोलते हैं इसे। ये देखिए भर ली, भर गई एक हाथ से, देखो कितना कठिन होता है, बहुत ही मुश्किल, हर एक कोई नहीं कर पाता। ये देखो आ रही रस्सी से, एक ही हाथ से निकालना, दूसरा हाथ नहीं लगाना पड़ता। बारिश हो रही, देखो बारिश होने लगी है। मैं एक का पानी भरने आते हैं, अगर उस पार्ट से आप पानी खींचते हो तो आपकी दाल जो पक जाती है, और इस पार्ट से निकालोगे पानी तो दाल ही नहीं पकेगी, ऐसी कुआ की मान्यता है। इसलिए हम यहाँ पे आते हैं, आज से नहीं कम से कम 150 साल से, 150-200 साल से ये चल रहा है प्रथा, तो आज भी कायम है ऐसा, और एक हाथ से पानी निकालना पड़ता है। नदी की तरफ गली में पानी जा रहा, सब लोग भीग गए, देखो पानी में पूजा पाठ हो चुकी है जो भी, अब सब लोग गगरी भर ली पानी की, अब जा रहे हैं भाई घर यहाँ से। देखो भाई नदी, ये देखो पानी, नदी आ गई पूरी। देखो भैया जय हो गंगा भैया, देखो भाई नदी हो रही पूरी, भारी हो रही पूरी, जो पानी दे रहा है नहीं सामने मत पहुंच जा रहे पहले भी बोला तो बेटा कुछ टाइम बना रहे थे नदी में। देखो नदी में भाई साहब उतर गए, गली में, गली में छुटकी भीगी हो गई, गीली हो गई छुटकी हमारी, गीली हो गई, गाय पीछे है गाय। वो देखो गाइस तालाब है, खूब बारिश हो रही है, देखो सभी लोग भीग गए। देखो
हमारी जो बड़ी भाभी आ रही है मटका रख के ना, ये देखो जा रही भीग गई पूरी, पीछे और भी आ रहे हैं देखो, सभी लोग आ रहे हैं अभी, सूपा लेके आ रहे हैं देखो, जा रहे हैं अभी। कैसे भीग गए बारिश में? चलो 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 जाओ, हम भी भीग गए गाइज। तो गाइज मैं भी भीग गया हूँ, खूब बारिश हो रही है गांव में, बहुत मजा आ रहा है। और अभी पूजा के लिए गए थे पानी भरने के लिए, मैं का पानी बोलते हैं वो भरने गए थे, तो बारिश खूब हुई है और औरतें बारिश में ही खूब गाना गा रही हैं, आप लोग देखिएगा। चलो जल्दी चलो, क्या बताओ। पानी से बेहाल हो रहा है, टेंट बना रहे हैं फिर भी कवर नहीं हो रहा, देखो सारा कुछ लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं सभी लोग, देखो ये बच्चा खिला रहा है, ये अभिषेक है, और पीछे देखो पहाड़ों का नजारा कुछ इस तरह है हमारे गांव का, बहुत ही बढ़िया। ये देखो गांव का जो माहौल है बहुत ही खूबसूरत है, और जो गर्मी थी वो बिल्कुल हट चुकी है, बारिश हो रही है, इसी वजह से टेंट लगा रहे भाई। आज बारात आनी है, बारात देखो क्या कर रहे, दिमाग ही नहीं काम कर रहा, लगा रहा है कैसे कैसे टेंट लगेगा, क्योंकि पानी की ढलान बनाई पड़ेगी, वरना भरता है पानी। देखो ये माता का मंदिर है हमारी कुल देवी, ये शादी, और राहुल आया है तैयार करवाने बिजावर, और मैं भी साथ में आया हूँ, तो अभी हम वेट कर रहे हैं, देखो आने वाली है वंदना, तो बहुत ही कैसी लगती है पता नहीं, सजने पर कैसी लगती है, किस टाइप का लहंगा है, किस टाइप का क्या है मुझे नहीं पता, बाकी मैं और राहुल आया हूँ, तो हम लोग वेट कर रहे थे, दो घंटे हो गए कम से कम, तो देखते हैं अभी कैसी लग रही है, चलो आ रही है। आराम से बैठे हैं, बैठ गए हैं, अब बंद करते हैं गेट, चलो। तो गाइज हम वंदना का मेकअप करा के आ गए हैं घर, तो चलिए ऐसे ही खूबसूरत लोग के साथ मिलते हैं फिर।